दुबई शहर से रोगी का वेल्सन मेडिसिटी हॉस्पिटल में जटिल ब्रेन ट्यूमर का सफल उपचार हुआ। आपको बता दें कि वेल्सन मेडिसिटी हॉस्पिटल में 42 साल के पप्पू पासवान का दुर्लभ ब्रेन ट्यूमर की सर्जरी संपन्न हुई है, जो सर्जरी के लिए दुबई से आए थे। रोगी को गंभीर सर दर्द और उल्टी के साथ दृष्टि धुंधली होने की शिकायत थी, जो पीछे के तीसरे वर्टिकल में स्थित था। वह आमतौर पर व्यासकों में ट्यूमर काफी कम देखने को मिलता है, जो सभी ब्रेन ट्यूमर का 1.3% है। डॉक्टर भवन अग्रवाल, जो कि पीजीआई में अपनी न्यूरो सर्जरी में एमएच की डिग्री प्राप्त करने के उपरांत केजीएमयू में बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत रहे और सैकड़ों अत्यंत जटिल एवं दुर्लभ ब्रेन स्पिन की सफल सर्जरी करने के उपरांत वेल्सन मेडिसिटी हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उन्हीं के द्वारा यह सफल सर्जरी की गई है। आइए आपको दिखाते हैं खास रिपोर्ट कि डॉक्टर ने किस तरह से इस जटिल ब्रेन सर्जरी को किया, क्योंकि दिमाग के काफी करीब ये ट्यूमर था जिसको उसको माइक्रोस्कोपी के मदद से सर्जरी की गई है। आइए आपको दिखाते हैं एक खास रिपोर्ट। साहब का बहुत ही अच्छा हाथ है और अब मैं चाहूंगा कि आप बताइए और सब पेशेंट के बारे में। माफ शुरू जी। ये हमारे पेशेंट हैं, इनकी उम्र तकरीबन 42 साल है। इनको एक ऐसा ब्रेन ट्यूमर था जो कि जिसको हम कहते हैं पोस्टीरियर थर्ड वेंट्रिकल ट्यूमर था, जो कि दिमाग के पानी का जो रास्ता है उसके एकदम वहीं पे उसका बैठा हुआ था। तो ये इतना जटिल होता है कि इसकी सर्जरी बहुत जगहों पे नहीं होती है। अच्छा महसूस रहता है। अच्छा नाम। क्या दिक्कत हुई थी आपको? पहले दर्द करता था, मेरे झंझनाहट आता था, टेंशन रहता था। किस तरीके का मामला था और किस तरीके से इस पेशेंट का उपचार किया? मेरा नाम डॉक्टर भवन अग्रवाल है, मैं वेल्सन मेडिसिटी हॉस्पिटल में न्यूरोसर्जन हूँ। ये हमारे 42 साल तकरीबन 42 साल उम्र वाले पेशेंट थे। ये दुबई से आए थे अपने ब्रेन ट्यूमर का इलाज करवाने। इनको जो ब्रेन ट्यूमर था वो ब्रेन ट्यूमर में अपने आप में बहुत रेयर कंडीशन होती है। इस 42 साल की उम्र में इनको था पोस्टीरियर थर्ड वेंट्रिकल में एक छोटा सा ट्यूमर जो कि दिमाग के पानी का रास्ता रोका हुआ था और उसकी वजह से इनको हाइड्रोसेफलस डेवलप हो गया था। हाइड्रोसेफलस का मतलब ये होता है दिमाग में अत्यधिक पानी भर जाना, उसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा तेज सिर में दर्द, उल्टी और आँखों में धुंधलापन, रोशनी कम होने चालू हो गई थी। तो इसका इलाज जो है हमने ऑपरेशन द्वारा किया, दूरबीन द्वारा, और उसमें हमने मात्र 15 mm के छेद से दूरबीन द्वारा ही दोनों ऑपरेशन एक ही साथ कर दिए इनके। इनका जो हाइड्रोसेफलस था उसका भी हमने ऑपरेशन किया, जिसमें हमने एंडोस्कोपिक थर्ड वेंट्रिकुलोस्टोमी करी, साथ ही में हमने ट्यूमर भी निकाला जो कि इनके पोस्टीरियर थर्ड वेंट्रिकल रीजन में था। ये ट्यूमर एक एपेंडाइमोमा था जो कि इस उम्र में बहुत कम पाया जाता है। जितने भी हमारे तमाम ब्रेन ट्यूमर हैं उसमें सिर्फ 1 से लेकर 3% केसेस में ही उन ट्यूमर्स में ये वाला ट्यूमर पाया जाता है इस उम्र में। तो ऑपरेशन भी सक्सेसफुल रहा, मरीज भी ठीक हैं, उनकी सारी जो भी समस्याएं थी वो उनकी दूर हो गई हैं। अब पेशेंट जो है आज छुट्टी भी जा रहे हैं, उनकी सारी तकलीफें अभी ठीक हो गई हैं। कितना समय लगा ऑपरेशन करने? ये ऑपरेशन करीब 1 से 1.5 घंटे का होता है। इस तरीके की चुनौतियां आपको इसमें देखिए, एक तो ये इस ऐसी लोकेशन पे होता है दिमाग के एकदम सेंटर वाले हिस्से में होता है, जहां तक पहुंच पाना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज होता है। ओपन सर्जरी करने अगर जाते हैं तो इसमें बहुत बड़ा चीरा लगता है और वहाँ पे हमारी जितनी दिमाग की खून की नसें होती हैं वो रहती हैं, दिमाग के क्रिटिकल स्ट्रक्चर जो होते हैं वो वहीं से जा रहे होते हैं। तो हमें सब चीज़ का ध्यान रखना होता है कि कोई स्ट्रक्चर डैमेज ना हो, किसी तरह की कोई ब्लीडिंग ना हो और सेफली ये सर्जरी हम प्रोसीड कर पाए। डॉक्टर साहब, फॉलोअप इनका कितने समय तक चलेगा और क्या आगे कोई संभावना है? इसमें हम बायोप्सी रिपोर्ट देखते हैं, बायोप्सी रिपोर्ट के आधार पर हम इसका फर्दर प्लान करते हैं। कुछ केसेस में हमें ऑपरेशन के बाद में सिकाई लगानी पड़ जाती है जिसको हम रेडियोथेरेपी बोलते हैं, अदरवाइज जो है को हमें कुछ नहीं करना पड़ता। मरीज को फॉलोअप करते हैं हर 6-6 महीने में, अगर सब कुछ ठीक रहता है, गांठ तो अगर दोबारा नहीं बनती है तो मरीज जिंदगी भर के लिए मुक्ति मिल जाती है। संभावना कितनी रहती है? संभावना डिपेंड करती है बायोप्सी रिपोर्ट के आधार पर, ठीक है। अगर ये सिंपल grade 1 grade 2 एपेंडाइमोमा निकलता है तो इसमें आप मान के चलिए कि अगर हमने पूरी तरह से निकाल दिया है तो 70-80% केसेस में ये दोबारा नहीं बनता है। अगर ये हाई ग्रेड का आता है तो चांसेस आर हाई।
इस तरीके के ऑपरेशन में कितना खर्चा आता है? देखिए तकरीबन प्राइवेट अस्पतालों में 2.5 से 3 लाख रुपए इस तरह के ऑपरेशन में खर्चा लग जाता है। वहीं अगर हम दिल्ली मुंबई की बात करें तो यहाँ पे खर्चा और भी डबल हो जाता है। लखनऊ में हमारे हिसाब से ये होने वाली एक तरह की पहली सर्जरी होगी या फिर बहुत कम लोग इस तरह की सर्जरी कर पाते हैं। डॉक्टर दुबई में अगर ये सर्जरी कराते जहाँ ये रहते हैं तो ये खर्चा शायद 3-4 गुना ज्यादा होता है। बिल्कुल, जाहिर सी बात है 8 से 10 लाख रुपए मरीज को अपनी जेब से देना पड़ता अगर वहाँ पे खर्चा होता तो। क्या नाम है आपका? पप्पू पासवान। कहाँ दुबई में कहाँ पर क्या काम कर रहे थे? प्लम्बर का काम कर रहा था। अच्छा, क्या क्या दिक्कत आपको हुई? सर चक्कर आता था, दर्द पेना होता था, बस उल्टी उल्टी सब होता था। फिर यहाँ का मेडिसिटी का आपको कैसे पता चला? एक फ्रेंड है, वो बताया मेरे को कि जाओ उधर लखनऊ में है विल्सन हॉस्पिटल, उसमें दिखाने का। कितने दिन हो गए ऑपरेशन हुए? 6 दिन हो गए। 6 दिन। अब कैसा महसूस कर रहे हैं? अभी अच्छा महसूस कर रहा हूँ। आपको इस बीमारी के बारे में कब पता? जी मैं उधर एक्सरे कराया था ना, एमआरआई कराया था उधर। एमआरआई कराया था, मालूम चला था मैं उधर आया था। कुछ सुधार लगा जैसे दर्द हल्का फुल्का कुछ?